हम पहुंच चुके हैं कोकोआ बीच, जहाँ पे पार्किंग की खासी व्यवस्था की गई है। यह बीच एक काफी सुंदर बीच है गोवा में। यहाँ पे काफी सोविनर वगैरह आप चाहे तो खरीद सकते हो, बट मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ से मत खरीदे, क्योंकि कंपेयर टू अदर मार्केट्स ये कहाँ पे बहुत कॉस्टली है। और इस बीच की खासियत है कि यहाँ पे छाव बहुत है, मतलब बीच से सटे हुए कुछ शॉप्स वगैरह है, वहाँ पे आप खड़े होके आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेड़ भी काफ़ी सारे हैं, जिसकी छाया में आप थोड़ी देर अपना टाइम बिता सकते हो। अगर आप चाहे तो यहाँ से बोट टूर के लिए भी जा सकते हो, जो लेते हैं 350 रुपये, जहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स वो आपको दिखा देते हैं। मेनली यह जो टूर जाता है वो डॉल्फिन देखने के लिए जाता है। ऑन द वे में जितने सारे पॉइंट्स आते हैं वो वहाँ पर टूर गाइड आपको वो दिखा देता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिखा देंगे जेल। यह है गोवा की जेल जिसके मैं बात कर रहा था, जहाँ पे चार्ल्स ओबराज को रखा हुआ था। देखने में तो ये किसी जैसे रिसोर्ट जैसा लगता है, बट एक्चुअली में ये एक जेल ही है। उसके बाद में वो लोग आप लाइट हाउस दिखा देंगे, एक जिमी का बंगला दिखा देंगे, उसके बाद में एक फोर्ट है, और बाकी जो है वो डॉल्फिन का साइट सीइंग का ही है। अगर आपको नेचुरली डॉल्फिन जो देखना चाहते, जो समुंदर में तैर रहे हो, तो ये बेस्ट टूर है आपके लिए। कोकोआ बीच जाते हो तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये पॉइंट आप जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। आओ आओ अभी दिखा, अभी दिखा, वेरी गुड। आ रहे बोट के पास, आ रहा इधर आ रहा, इधर आ रहा, आ रहा। हाँ ये मजा आया। आप चाहे तो बोट वाले को बोल सकते हैं कि मैंने डॉल्फिन्स नहीं देखी है, तो जब तक वो आपको डॉल्फिन्स नहीं दिखाएगा वो वापस नहीं लेके जा सकता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो सजेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाके विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।